नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। अगर आपको जेल में बैठकर खाने की इच्छा हो तो यह इच्छा अब आपकी पूरी होगी, क्योंकि सौगना मोर्च खोल जाने वाली रोड में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी और रहमान स्टडी के निदेशक ओबैदुर रहमान के द्वारा द रॉयल जेल रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल में बैठकर मनपसंद खाने का मजा लेने की इच्छा है तो आपको सौगना मोड़ पहुंचना होगा, जहां पर लॉकअप में बैठकर लजीज भोजन का आनंद ले सकते हैं। वहीं जेलर भी आपकी निगरानी करेंगे। यहां वेज से लेकर नॉन वेज हर तरह के खाने का आनंद लिया जा सकता है। द रॉयल जेल के प्रबंधक अभिनव झा ने बताया कि द रॉयल जेल ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो एक जेल की शक्ल में है। यहाँ लोग शौक से पैसे देकर आते हैं। यह जेल रेस्टोरेंट है और यहाँ वेज और नॉन वेज के साथ अच्छे पकवान भी उपलब्ध है। यहाँ इस रेस्टोरेंट में इस शहर के लोग जेल में बैठकर खाना खाते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बिल्कुल जेल जैसा है। बता दें कि इस जेल रेस्टोरेंट को बिल्कुल जेल जैसा बनाया गया है। यहाँ का माहौल भी बिल्कुल उसी तरह का है जेल रेस्टोरेंट के अंदर जेल जैसे अलग अलग कैदी वार्ड बनाया गया है। मतलब जेल में जो रोटियां खाते हैं वैसा फीलिंग मिल रही है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लॉकअप सिस्टम जो भी यहाँ का है सब बहुत अच्छा है, मतलब उसी टाइप का सारा थिंग। मतलब जेल तो लोग अपराध करके जाते हैं, पर यहाँ तो आप पैसा देकर जेल की रोटी खा रही हैं। देखिए वो कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ये जो है ना, मतलब थीम वैसा है, लेकिन यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। एक अलग कॉन्सेप्ट है, जेल का थीम दिख रहा है जी। और बिल्कुल मतलब अलग कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब कुछ, मतलब फील वही पर अच्छा अलग यूनिक। नाम बता दीजिए अपना। जेल की रोटी खा रही है ऐसा एहसास हो रहा है? नहीं, ऐसा एहसास नहीं हो रहा है। मतलब कोई सोच सकता है कि इस तरह से भी रेस्टोरेंट मतलब ओपनिंग कर सकते हैं, ये एक सोच, मतलब क्या बताए इसके लिए, जो ऐसा सोच अगर किसी के अंदर नहीं आ सकता। नाम बता दीजिए। मजा आ रहा है। हम ओरिजिनल जेल में भी गए हैं, लेकिन इस जेल में आने के बाद काफी हमको सुख मिल रहा है। इससे पहले जो जेल में गए थे उसमें काफी दुख था। इसलिए जितने भी बिहार के जनता है उनसे कहना चाहूँगा, ये जो होटल खोला गया जिसका जेल रुक दिया गया है ये सौगना मोड़ पर, इसमें एक बार सभी लोग अवश्य आए और आने के बाद जो जेल नहीं गए होंगे जेल का भी सुख ले सकते हैं। जेल की रोटी खा रहे हैं पैसा दे जी जी जेल की रोटी पैसा देकर खा रहे हैं। खुशी वाली रोटी है, खुशी वाली। मतलब लोग यहाँ खुश होकर जेल में आ रहे हैं और एक बता के दुख में जेल जाते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सरवन यादव। आज इस रेस्टोरेंट जेल रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका एम्बियंस, इसका डेकोरेशन, मतलब ऐसा लग रहा है कि पटना में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो जेल जैसा एटमॉस्फेयर पूरा लुक दिया गया है इसको। एक तरह से कह सकते हैं कि जेल की रोटी हम लोग पैसे दे करके खाने आ रहे हैं। जेल का जो लुत्फ है वो काफ़ी यूनिक है, और जो लोग जेल का एक तरह से कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जिनको, वो यहाँ आकर के ले सकते हैं। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको सर्व किया जा रहा है। यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। फिलहाल हम लोगों ने कॉफ़ी पिया और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। वो कह रहे हम यही पटना वासियों कहेंगे कि सब लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ का एक बार एक्सपीरियंस जरूर लें। क्या कहेंगी, नए साल में नया लुक रेस्टोरेंट दे रहा है जेल रेस्टो, जैसे कि एक नया कॉन्सेप्ट और नया यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया है बिहार के लिए, पटना के लिए। तो काफ़ी अच्छा है। इस न्यू ईयर में सब लोग को यहाँ आना चाहिए और यहाँ का एक तरह से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वरीशा। आज पटना के अंदर में मुझे लगता है कि शायद इस तरीके का रेस्टोरेंट हम लोगों ने कहीं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर में देखा, लेकिन हमारे बिहार की राजधानी पटना में अगर इस तरीके का इन्होंने खोलने का फैसला लिया है तो हम इनको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और जो इंटीरियर है इनका, खास करके इस तरीके का इंटीरियर हमारे शहर में होना, ये बहुत खुशी की बात है। किस तरह का इंटीरियर है? नहीं, जिस जो एक इन्होंने एक अनुभूति प्रदान कराया है कि जेल के अंदर रह करके आप कैसे एक जीवन को, आप अगर जेल के अंदर है तो जेल के अंदर भी हमारे कोई ना कोई इंसान भाई होते हैं, लेकिन उनको एक अनुभूति प्रदान की गई है कि एक जेल के अंदर बंद करके आपको खाना दिया जाता है और आप खाना खा करके बाहर निकलते हैं तो आनंद लें रॉयल जेल का। जेल तो मतलब
मतलब एक सुन के काफी सा एक अजीब सा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इस जेल में आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी।